लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सांसद जसकौर मीना क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। से भाई निशिकांत जी जब बोल रहे थे तो उस समय एक प्रश्न उठाया कि महिला क्यों नहीं बोल रही। मैं ये कहूं कि जब रथ का पहिया, दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों की सक्षमता से रथ चलेगा, और इस भाव को मद्देनजर रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना साकार की, और उस साकार करने के साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी उनको कि भाई की कलाई पे जब राखी बांधी जाती है तो केवल वो राखी स्वयं की रक्षा की नहीं, बल्कि वो संपूर्ण समाज की रक्षा और अपने भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की सक्षमता पर हमें प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना, नारी सक्षम है। इसके अनेक उदाहरण आज हमारी वर्तमान लोकसभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, चाहे वित्त मंत्रालय संभालना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं, सक्षम हमारी मंत्री बहनें इस काम को संभाल रही हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारी नारी सक्षम नहीं, वो सक्षम है, स्वस्थ है, सार्थक है, उन्नतिशील है, और भारतीय संस्कृति में पली बड़ी है। भारतीय संस्कृति में पली बड़ी नारी भारत के वर्चस्व को और भारत की परंपराओं को समझती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बिल में जिस तरह से ये सभी जो ये तीनों जगहों, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के कुछ स्थानों के यथाशक्य एक तिहाई बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है वो सुरक्षा बदस्तूर बनी रहे। अनुसूचित जनजाति की मैं स्वयं हूँ, और मैं ये कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। जब 13वीं लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का दायित्व भी मुझे दिया, उस समय भी मुझे ये अनुभव था कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफ़ी चिंतित है, और उस चिंता को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है। अभी पश्चिम बंगाल से बहन बोल रही थी, और वो बोल रही थी लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके राज्य ने हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया, दिल्ली ने लागू ही नहीं किया, उड़ीसा ने लागू ही नहीं किया, और भारत सरकार की महिला समृद्धि योजनाओं को लागू करने में इतने वो पीछे क्यों हैं। यदि वो महिलाओं की प्रगति को देखना चाहते हैं तो उस प्रगति में महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं को अक्सर से लागू करना चाहिए था। मैं एक बात और आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूँगी कि 75 वर्ष में 65 साल जिस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे। और उस समय जब ये बात चल रही थी तो दिनकर जी ने भी ये बात लिखी थी कि अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। और यही नहीं सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह बंदनी हुई बता किस घर में। एक ही घर में वो विवाह बंदनी हो गई, और विवाह बंदनी होने से, वो आभा बंदनी होने से भारत का समुचित विकास, भारत की नारी शक्ति की उपेक्षा जिस तरह से की गई और जिस तरह से उसे कमजोर समझा, धन्यवाद। लेकिन गीतों में भी गाया है कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, वो सत्य का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि महिलाओं के क्षेत्र में थैंक यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार